अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ उस पाक साथ से कि आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, अपनी फैमिली के साथ रब के शुक्र गुजार होंगे। आज आपके अपने मुल्तानी किचन में बना है चिकन ग्रेवी का सालन, जो कि बहुत क्विकली और बहुत ही मज़ेदार। तो आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने चिकन लेकर उसे वॉश कर लिया, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ टमाटर पेस्ट जिसे थोड़ी भी कहते हैं वो है, प्याज जिसे पहले एक्स्ट्रा ऐसे निकाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा, रस, कुटा हुआ नमक, सौंफ, मिर्च। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें सबसे पहले मैं प्याज शामिल करूँगी और इसे रस मैंने गोल्डन कलर का करना है। प्याज आप देख सकते हैं गोल्डन कलर की हो गई है। और इस टाइम इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ चिकन। ये बहुत ही क्विकली और मज़ेदार सी है। इसे जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है जी। ये आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो गया है। जस्ट इसे मैंने 2 मिनट के लिए लाइट सा फ्राई किया। अब इसमें ऐड करने लगी हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और इसका एक अच्छा सा फ्लेवर चिकन में शामिल हो जाए। देख सकते हैं प्याज दो लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं, इनका एक अच्छा सा नमक चिकन के अंदर शामिल हो गया है। और इस टाइम मैं शामिल करूँगी इसमें हल्दी, इसे मिक्स कर दूँगी और साथ ही बाकी स्पाइसी जिसमें नमक, सौंफ, मिर्च, जीरा और धनिया शामिल है वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। और इसे हम 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। चिकन तमाम स्पाइसी का फ्लेवर चिकन में शामिल हो गया है। आप इसमें हम शामिल कर रहे हैं टमाटर का पेस्ट, आप चाहें तो इसकी जगह दही भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम किसी किस्म का पानी में ऐड नहीं किया क्योंकि चिकन को पकाने की कोई देर नहीं लगती और ये बगैर पानी के भी कुक हो। अब इसे कवर करके हमें तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके अपने मुल्तानी किचन में आज बनने जा रहा है चिकन ग्रेवी का सालन, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी कलर वगैरह कितना प्यारा है और कितना मज़े का ये लग रहा है। अब मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिश रेडी हो गई है चिकन ग्रेवी मसालेदार। ये आप देख सकते हैं कितनी मज़े की है और कितनी क्विकली बनने वाली रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेगी एक नई रेसिपी के साथ। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।